गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ गेस के बारे में, और ट्वेल्थ गेस आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिए। कम से कम जितने क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे पहले उसको कमांड कीजिए, यदि इसके बाद आपको समय बचे तब आप दूसरे क्वेश्चन देखिए, लेकिन जितने क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे पहले उसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी 10 क्वेश्चन तक बात कर लिए हैं। 11 में क्वेश्चन नंबर बात किए थे जो गैस में जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल एमाइन, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेसिक स्ट्रेंथ किसका बेसिक स्ट्रेंथ, तो CH3N है, दूसरा CH3N CH3H, फिर CH3NH2 और NH3, इस तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये बेस इसलिए है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। All these are Lewis base सिर्फ कह देते हैं बेस, क्योंकि लेविस का भी बेस हो सकता है और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी बेस हो सकता है। तो लेविस के अनुसार बेस उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार बेस उसको कहेंगे जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों काम कर सकता है। H प्लस इसलिए एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर तो स्पष्ट डोनेट करेगा क्योंकि लोन पेयर है। अब सवाल है ये जो देख रहे हैं ये 3 डिग्री का एमाइन कहेंगे, और ये 2 डिग्री का एमीन कहेंगे, और ये 1 डिग्री का एमीन कहेंगे, और इसका नाम जो है वे अमोनिया है। तो आप देख रहे हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ यदि बात करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर इसमें सबसे ज्यादा है। तो इन गैस फेज यदि बात करें, ध्यान दीजिए इन गैस फेज, तो सबसे पहले 3 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई है और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर और बढ़ जाएगा। इसमें 2 ही प्लस आई है इसीलिए 2 डिग्री, इसमें 1 ही प्लस आई है इसीलिए 1 डिग्री, और उसके बाद होगा अमोनिया। ठीक, ये कौन सा फेज में? गैस फेज में। इन सॉल्यूशन फेज, यदि सॉल्यूशन फेज कहा जाए तो उस सिचुएशन में हम लोग को टेक्निकली याद रखना होगा। यहां अभी डिटेल बात नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखिए 213 NH3, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब मिथाइल रहेगा तब, मतलब 2 डिग्री एमाइन का, उसके बाद 1 डिग्री एमाइन का, उसके बाद 3 डिग्री एमाइन का, और उसके बाद NH3। तो ये गैस फेज और ये सॉल्यूशन फेज है। मत अभी क्वेश्चन डेवलप कीजिएगा व्हाई ऐसा क्यों होता है, सिर्फ आपको एज इट इज क्या कर जाना है, याद रख लेना है जो ऐसा होता है। यदि इसी में हम बात करें इथाइल को लेकर के, C2H5 का होल थ्राइस एन, C2H5 का होल ट्वाइस एन H, और C2H5NH2 और NH3। तो यदि इसमें हम बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वे 2 डिग्री का, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री कर देते हैं, डिग्री आसान रहेगा। ये कितने डिग्री का है बाबू? 3 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। ये 1 डिग्री का। तो यदि मिथाइल के जगह पे इथाइल आ जाए, मिथाइल के जगह पे इथाइल आ जाए, तो उस सिचुएशन में सॉल्यूशन फेज में जा करके जो भी कंफ्यूजन है इसमें सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन में जाकर के 2 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा, 3 डिग्री का कम, 1 डिग्री का उसके बाद NH3। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों से पूछ दिया जाए तो हम लोग अब क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप बने रहिए सीरीज के साथ।